पिछले 24 घंटे में कोरोना के संपूर्ण मध्य प्रदेश में 20 नए प्रकरण आए हैं। यहां मैं यह कहना भी चाहूंगा कि इस 20 में 13 इंदौर से और 4 भोपाल से हैं, बाकी एक एक है। 14 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्य की ओर, अपने अपने घरों की ओर गए हैं। बहुत मिलनसार थे, सीधे कार्यकर्ता से संवाद करने का एक उनका हमेशा मोटिव रहा और कार्यकर्ता सीधा संवाद उनसे करता था। हम मेरे काफ़ी नज़दीक के थे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन व्यक्तिगत हमारी भी क्षति है। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैंने उनसे बात की थी और बात करने के बाद में कल भी मैंने वहाँ के पुलिस अधीक्षक से, अधिकारियों से बात की थी, तत्काल उस कार्रवाई को रोक दिया था। आज भी मुआवजे से संबंधित जो विषय उन्होंने उठाए, मुझे बताए हैं, वो विषय भी मैं प्रशासन के ध्यान में डालूंगा। जो नीतिगत और नियम विरुद्ध होगा उसको हम होने नहीं देंगे, जो सही होगा वही होगा। मुझे उमंग सिंगार से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इससे कमलनाथ जी की भावनाएं आहत हुई होंगी, जो कुछ दिन पहले केदारनाथ पे दर्शन करने गए थे। ये उनका आंतरिक मामला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है, दैत्य की बात कही है, अब कल्पना करें, वो प्रियंका जी गणेश मंदिर के दर्शन करने गई थी, केदारनाथ पे माननीय कमलनाथ जी गए थे, इसलिए उनका सवाल उठाना इन्हीं की ओर इंगति करता है जो राम मंदिर बनवाते हैं, जो उनके ऊपर तो हो ही नहीं सकता है। जो राम सेतु का सवाल उठाते हैं ये उनके ऊपर हो सकता है, ये उनके ऊपर हो सकता है। जो हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं वो दैत्य हो सकते हैं, या वो जो मखौल उड़ाने वालों को निमंत्रण देते हैं मध्य प्रदेश में आके शो करने का, ये उमंग का इशारा उनकी ओर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है अखिलेश यादव जी का बयान, हमें समझ नहीं आते राहुल जी के बयान, हमें समझ नहीं आते इन कांग्रेसियों के बयान। सलमान खुर्शीद ने क्या हमारे नाम से राम मंदिर पर सवाल उठाया था? राशिद अलवी जी ने क्या हमारे कहने से सवाल उठाया था? फारूक अब्दुल्ला क्या हमारे कहने से बोल रहे हैं? महबूबा मुफ्ती क्या हमारे कहने से बोल रही हैं? आखिरी समय में काशी का जिक्र हमने किया था? अखिलेश जी बताएं ना इस बात को। ये सारे विषय भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं उठाए। अखिलेश जी जान पूछकर उस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, और जिस कारण से आज उनको ये कहना पड़ रहा है।